बंद कर। नमस्कार, मैं अशोक व्यास, कार्यक्रम इनसाइट में अशोक व्यास में आपका स्वागत है। और स्वागत करने के लिए मेरे साथ आज साक्षात कृष्ण स्वरूपी, जो एक ग्रंथ है श्री कृष्ण चरित मानस, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से लेकर स्वधाम गमन तक की संपूर्ण प्रसंग, इसको पंडित नंदलाल शर्मा जी ने लिखा और इसके संपादक जो हैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, वो हमारे साथ हैं। और ये विजय जी जो हैं वो बहुमुखी आयामी प्रतिभा के धनी है, बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और राजनीति में इतने सक्रिय हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा मनुष्य जो धर्म के भीतर संस्कृत भाषा के ऊपर और भारत के सांस्कृतिक राजनीतिक प्रवाह को इतने समीप से जानता है कि जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह लिखा कि डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी ने अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी साहित्यिक यात्रा में विशिष्ट विधा के साथ हिंदू समाज के वृहद भाग को समझने की एक नई दृष्टि देने का प्रयास किया है। ये 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, तो 2003-06 अगस्त को उन्होंने लिखा था। और अगस्त के महीने में दलित हिंदू की अग्नि परीक्षा इस पुस्तक के लेखक भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं तालियों की नहीं सुनी देने वाली गड़गड़ाहट के साथ आपको स्वागत करता हूँ। नमस्कार। तो शास्त्री जी, आपके साथ सौभाग्य से एक ऐसे मनीषी हैं जो आधुनिक दिशा में जब हमारा युग प्रवाहित हो रहा है तो उसमें विशेष रूप से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में सक्रिय हैं। आईटी के साथ समय रखने वाले रोहित गंगवाल जी, आपका भी स्वागत है। रोहित जी, आपसे मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप इतनी पुस्तकें, जैसे कि मैं सारी अपने दर्शकों को दिखाई नहीं पाऊँगा, और सामाजिक समरसता दर्शन है, संत शिरोमणि गुरु रैदास जी पर है और अन्य भी कई ग्रंथ हैं जिनके लेखक आपके साथ जब आते हैं, आपको इनके व्यक्तित्व में क्या खास बात लगती है? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके साथ रहने का मौका मिलता है, इनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम तो कोशिश करते हैं कि जब भी समय मिले इनसे कुछ ज्ञान अर्जन कर सके। और जो सबसे विशिष्ट बात इनकी है वो उनकी सिंप्लिसिटी। इतनी कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पे रहे हुए हैं, ये किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे बहुत आत्मीयता से मिलते हैं। और इनकी कोशिश यही रहती है कि जो व्यक्ति अपनी कुछ भी समस्याओं को लेके आया उसका पूरी कोशिश के साथ समाधान कर सके। तो समाधान की तरफ बढ़ने का अब मौका हमारा है। सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य होने के साथ ही कुछ समस्याएं जुड़ जाती हैं और वहाँ से प्रश्न आता है कि मनुष्य होने का जो अर्थ है या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? जो हमारा दर्शन है, जैसे आपकी एक पुस्तक है दलित हिंदू की अग्नि परीक्षा, फिर एक श्री कृष्ण चरित मानस भी, तो क्या हमारा दर्शन अलग अलग मनुष्यों को जीवन के अलग अलग लक्ष्य देता है या मनुष्य मात्र का लक्ष्य एक ही है? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। वास्तव में मनुष्य का केवल एक लक्ष्य है और कहा जा ये भी सकता है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है इस ब्रह्मांड में। करोड़ों करोड़ तरह के लोग हैं, जीव जंतु हैं, पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो एक ऐसा काम है जो केवल मनुष्य ही कर सकता है, उसको कोई नहीं कर सकता। देवी देवता नहीं कर सकते हैं या अन्य अन्य पराशक्तियाँ नहीं कर सकती हैं, जीव जंतु नहीं कर सकते हैं, वो मनुष्य ही कर सकता है। और वो है साधना तपस्या। साधना तपस्या केवल मनुष्य कर, पंच तत्व का शरीर चाहिए और बुद्धि चाहिए। और ये किसी में पंच तत्व का शरीर है तो बुद्धि नहीं है, किसी में बुद्धि विवेक सब कुछ है जैसे देवी देवता, तो उनके पास पंच तत्व का शरीर नहीं है, तो उन्हें भी साधना तपस्या करना होता है, तो इसी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में ही आना होता है। इसे संपूर्ण मनुष्य का एक ही काम है, जो महत्वपूर्ण काम है वो साधना तपस्या। पर यहाँ मनुष्य का जन्म लेने के बाद वो उसी एक काम को छोड़ करके जो केवल वही कर सकता है बाकी सारे काम करना शुरू कर देता है, लक्ष्य ही भटक जाता है उसका। मेरे ख्याल से ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको
मनुष्यों को जानना चाहिए और यह वो जान सकते हैं, इसकी सच्चाइयाँ पता होनी चाहिए। आज तो मैं जब मुझे दुख होता है कि किसी हिंदू से अगर ये पूछ लिया जाए कि आपका हिंदुत्व क्या है तो बगले झांकने लगता है, या किसी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल से हिंदुत्व पर बहस करने के लिए उससे पूछ लीजिए हिंदुत्व के बारे में, नर्सिल में बताइए, 500 वर्ड में लिख करके दे दीजिए या 5 मिनट में बताइए, तो लोग 5-5 दिन तक बताने की क्षमता रखते हैं, पर हिंदुत्व एक छोटा सा सब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं कर पाते। अजय शास्त्री, जब चूंकि सवाल आपने उठा दिया मेरी तरफ से, तो ऐसी स्थिति क्यों बन गई है उस पर चर्चा करने से पहले आप अपनी परिभाषा बताएं 5 पंक्तियों में। हिंदुत्व पर आपकी पुस्तकें भी हैं, और मुझे ये जोड़ने का अवसर ले लेने की अनुमति दें कि हिंदू शब्द को कई हिंदू भी इस प्रकार से देखने लगे हैं कि जैसे शब्द अछूत हो गया हो किसी स्तर पर, अपने आप को हिंदू कहने में संकोच करते हैं। इस प्रकार के हिंदू भारत में भी होंगे, यहाँ भी होंगे, उसके कई कारण हैं, जिसमें एक कारण मेरी समझ में जिस तरह की अवधारणा हिंदू धर्म के बारे में हमारे जो तथाकथित सेक्युलरिज्म के द्वारा बन गई, तो अब मैं उस पूरे विस्तार में नहीं जाते हुए आप अपनी हिंदुत्व की परिभाषा दें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी हिंदुत्व की परिभाषा नहीं है और मैं कुछ भी अपना नहीं बोलूँगा, ये मैं शास्त्रों का बोलूँगा जी, और शास्त्रों के हिसाब से ही मैं बोलूँगा, और शास्त्र को समझने की दृष्टि से भी आसान तरीके से मैं बोलूँगा। हम ही से पूछा जाता है कभी कभी, जैसे आपने अभी पूछा कि आपका हिंदुत्व क्या है। देखिए, हिंदुत्व को आप 1.5 से 2 मिनट में डिफाइन कर सकते हैं या उससे भी कम कर दीजिए, और मैं चाहूँगा कि मैं इस अवसर का लाभ लूँ कि मैं आपके साथ बहस कर इस चर्चा कर रहा हूँ, तो दुनिया को हिंदुत्व के बारे में एग्जैक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए। देखिए, हिंदुत्व का अर्थ होता है हिंदू तत्व, जो संधि विच्छेद करने के बाद, तो कितने तत्व किसी से पूछिए तो वो दुनिया भर की बातें बताते हैं लेकिन वो तत्व नहीं बताते हैं। हकीकत तो ये है कि हिंदुत्व के 10 तत्व हैं, इतने भी नहीं कि याद करना मुश्किल हो, ये सिर्फ 10 तत्व होते हैं, और इसका रेफरेंस अगर देखना चाहें जी तो आप मनुस्मृति के अध्याय 6 और श्लोक नंबर 92 को देख सकते हैं। क्या लिखा है वहाँ? धृति क्षमा दमह अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, यानी धर्म के 10 लक्षण होते हैं और यही 10 लक्षण हिंदुत्व के तत्व हैं। वो क्या 10 तत्व हैं? धृति, धृति मतलब धैर्य होता है, पेशेंस, क्षमा, क्षमा मतलब दया करुणा, फॉरगिवनेस, दमह, दमह मीन्स होता है साधना तपस्या योगा मेडिटेशन, अस्ते, अस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना, अगर कोई चोरी करता है तो अकॉर्डिंग टू दिस वो हिंदू नहीं है। शौचम, शौचम का अर्थ होता है स्वच्छता और पवित्रता, दोनों अलग होते हैं अशोक जी, स्वच्छता का अर्थ होता है बाह्य और पवित्रता का अर्थ होता है आंतरिक, तो शौचम। इंद्रिय निग्रह, आत्मनियंत्रण, अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करना, ये भी हिंदुत्व का एक तत्व है। धी, धी का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, और विद्या, विद्या का अर्थ होता है भौतिक ज्ञान जिससे रोटी खा सके, प्रोफेशनल स्टडी, एजुकेशन। सत्यम अक्रोधम, सत्य और अहिंसा, ये 10 तत्व होते हैं। इसमें एक तत्व अगर कोई फॉलो करता है, सिर्फ एक तत्व, तो वो महात्मा बन सकता है, और अगर 10 का 10 तत्व कोई फॉलो करता है, अपने आप में पूर्ण रूप से उसमें जीता है, मरता है, उठता है, बैठता है उसमें, यानी आत्मसात कर लेता है 10 का 10 तत्व, तो नर से नारायण की जो थ्योरी है वो यही थ्योरी है कि इंसान ही भगवान बन सकता है। और इसका बेस्ट उदाहरण के साथ मैं बतलाना चाहूँगा कि महावीर स्वामी ने सिर्फ एक तत्व लिया था, अहिंसा, एंड ही बिकेम अ गॉड, उन्होंने जैनिज्म का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने सिर्फ एक तत्व लिया था, सत्य, और वो भगवान बन गए, और बौद्धिज्म का उन्होंने पंथ का अवगाहन किया था। महात्मा गांधी ने सिर्फ 2 तत्व लिया था, सत्य और अहिंसा, एंड ही बिकम लीडर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, दुनिया उनके पीछे चली।
तो ये है हिंदुत्व। मैं आपको धन्यवाद करते हुए, एक तो इन्होंने बिल्कुल सीक्रेट हमारे सामने प्रकट कर दिया शास्त्री जी ने, ये 10 तत्व हैं, उनमें से कोई एक अपना कर आप बढ़ेंगे तो महामानव तक की यात्रा आपकी सिद्ध हो सकती है। और ये आपने संदर्भ मनुस्मृति में से दिया था, और आपने वो भी बताया था कौन सा श्लोक कौन सा अध्याय, फिर से दोहराए। नहीं, मनुस्मृति का अध्याय 6 और श्लोक नंबर 92। अच्छा, अब ये जो आपने ये 10 धर्म के लक्षणों बताए, इसमें हिंदू शब्द तो कहीं नहीं है। देखिए, हिंदू शब्द के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 575 के आसपास, ऐसा मानने आता है। उनके एक सगे चाचा होते थे अबू बिन हसाम, उन्होंने, वो बहुत अच्छे शायर थे, और उन्होंने उनके 5 शायरी को मैंने अपने पुस्तक में कोट किया है, हिंदू वैचारिक की एक अनुमोदन, और इसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि वो व्यक्ति हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। और इसके पहले, मोहम्मद साहब के जन्म से पहले, एक अरब में और शायर होते थे अलीफ बिन तुरफा करके, ये 2300 साल पहले होते थे मोहम्मद साहब के जन्म से, यानी अभी से देखा जाए तो 4000 साल से ऊपर। उन्होंने भी वो शायरी मैंने कोट किया है, चूँकि अरबी में है, मुझे वो याद कर में स्मरण करने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो मैंने किया है, यानी 4000 साल का तो मैंने उदाहरण दिया है। लेकिन ये लगातार कहा जाता है कि हिंदू शब्द तो 13वीं शदी में प्रारंभ में इसका उपयोग शुरू हुआ। देखिए, हमारे यहाँ धर्म एक शब्द था, धर्म शब्द अपने आप में ही पूर्ण था, और धर्म का अर्थ ही धारयति इति धर्म, यानी जो धारण किया जाए, जो नियम कानून धारण किया जाए वही धर्म है, यानी किसी को दूसरे को दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ देखिए एक सिंपल सी बात, हमारे यहाँ सड़क पर बाएं चलो ये धर्म है, लेकिन अमेरिका में सड़क पर दाएं चलो चलते हैं। यानी यहाँ अमेरिका में आते ही क्या एक भारतीय का धर्म परिवर्तित हो जाता है? नहीं, क्योंकि धारयति इति धर्म, यानी समाज को सामान्य रूप से सरलता के साथ संवहन करने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनका धारण करना, यही धर्म है। और इसलिए हिंदुत्व का जो परिभाषा ये किया गया है, हिंदू के तत्व, ये जो 10 तत्व है, इन 10 तत्वों में से सभी तत्व या कोई एक तत्व भी धारण कोई कर लेता है तो बेस्ट ह्यूमन बीइंग कहा जा सकता है उसे। तो डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी का एक ग्रंथ ये भी है, हिंदू वैचारिक की एक अनुमोदन, और ये ज्ञान के इतने सागर, जो इतना एनसाइक्लोपीडिया, वो जब बोलते हैं तो एक बात दूसरे से जुड़ती हुई इस तरह से प्रवाहित होती है कि हमें लगता है थोड़ा और सुन लें। फिर जब वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो जब आप वहाँ पर सभाओं में बैठते होंगे तो लोगों के पास इतना धैर्य नहीं होता है, वो सोचते हैं कट टू कट बात करें, या तो कैसा लगता है आपको वहाँ की बहस जो होती हैं, अक्सर तो किसी को कोई सुन रहा हो ऐसा लगता ही नहीं है, तो आपका क्या अनुभव रहता है बीजेपी स्पोक्स पर्सन? देखिए, ये तो सच बात है कि जो डिबेट्स होते हैं उसमें कोई एक दूसरे की बात सुनता नहीं है, बल्कि वो घर से जो तैयारी करके आता है कि मुझे ये बात कहनी है तो वही कहता है, अनरिजनेबल बातें कही जाती हैं, जिसका सिर पैर नहीं होता, व्यर्थ की भी बातें कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो वही कहने के लिए आते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा बड़ा क्षोभ होता है, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कॉन्टेंट देना, फैक्ट बताना, क्योंकि अगर गलत बातें हम कहते हैं तो स्वयं में हमें अब मैं खुद परेशान कर रहा हूँ, जैसे कि सामान्यतः किया जाता है, क्योंकि जो धैर्यपूर्वक कंटेंट को ग्रहण करने वाला धैर्य है वो कहाँ से आए, होता नहीं है। उसका एक दोषी मुझे लगता है वो है, जिसका संबंध हमारे साथी जो विराजमान हैं रोहित गंगवाल जी, उनके साथ भी है। आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और IT के साथ जुड़े रहे हैं, और जब लोगों को पता ही नहीं था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं, तो इन्होंने मोदी फॉर PM वेबसाइट लॉन्च कर दी थी 2010 में। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप, हम इनको सुन रहे हैं तो इनके पास इतना ज्ञान है, इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, इतनी पुस्तकें लिखी भी हैं, आपको क्या लगता है जो IT आपकी है या समझिए इंटरनेट है, या उसके कारण एक तो हमारे जो युवा हैं उनका धैर्य कम होता जा रहा है, और दूसरा किसी भी बात को गहराई तक जाके समझने के लिए जो ठहराव चाहिए वो आप कहीं लगता है कि सोशल मीडिया के कारण हमारा छूट रहा है? देखिए, इसमें दोनों तरह से देखा जा सकता है कि जो गहराई की बात है वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया में वो गहराई नहीं आ पाती है,
और धैर्य कम होते जा रहा है। पर उसके साथ साथ आप एक चीज़ ये भी देखिए, जो कुछ भी नहीं था वो कुछ तो हो रहा है, जो लोगों को कुछ ज्ञान मिल रहा है, वो सोशल मीडिया से जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें काफ़ी नई नई चीज़ें। अच्छा, नई नई चीज़ों में आपको मैं और पकड़ता हूँ, नहीं मतलब बात के साथ उन्होंने कहा कि तप साधना करना मनुष्य का लक्ष्य में साधना करे, जो सोशल मीडिया के फेसबुक पर लाइक करेंगे हम ज़्यादा दिन भर, और किसी ने व्हाट्सएप में क्या मैसेज भेजा है उसको दूसरे को भेजेंगे, तो दिखने में तो हम व्यस्त ही दिख रहे हैं, पर साधना के बारे में सोचने वाली जो सूझ है वो कैसे उसको हम छू पाएंगे? आप देखिए, उसमें आपने जो बोला कि केवल हम फॉरवर्ड कर रहे हैं वहाँ वो फेल हो जाता है, पर कोई अच्छा मैसेज आया है और हम उसको आत्मसात कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं, वहाँ सोशल मीडिया की सक्सेस है। तो किस तरह से हम उसका यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अब मेरा सवाल, अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल रखने वाले विद्वत जन बैठे हैं, जो रोहित जी की बात है उसको लेते हुए जब हम विजय सोनकर शास्त्री जी जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ जाते हैं तो विवेक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी आप डिस्क्रिप्शन हुआ आपका कि मुझे कितनी बात पर, कौन सी बात पर कितनी देर ठहरना है, तो सोशल मीडिया के रेफरेंस आपके अंदर ये डिस्क्रिप्शन कैसे डेवलप हुआ, और इसमें जो हमारी आसपास की संगत है उसका कितना असर रहता है और क्या करना चाहिए? देखिए निस्संदेह मैं तो इस बात के लिए थैंक्स कहूँगा, और मेरा तो व्यक्तिगत जीवन का ही अनुभव है कि मैं शाखा में पहले गया, विद्यालय में बाद में गया। मैं तो 2-2.5 साल का था तभी से मैं शाखा में जाना शुरू किया, इसलिए कि शाखा मेरे घर के पास दरवाजे पर ही लगती थी एक तरह से देखा जाए। तो मैंने संघ की शाखाओं में देखा कि वहाँ व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं होती थी, या किसी भी समस्या को अलग से देखने की भी बात नहीं होती थी। वहाँ तो सामूहिकता का बोध था, हम सबके लिए सोचते थे, सभी समस्याओं के बारे में सोचते थे, सभी समाज के बारे में सोचते थे, ऐसा मैंने वहाँ महसूस किया। वहीं से मेरे मन में विचार आया कि हमें भी सबके बारे में सोचना चाहिए, हमें भी सभी समाज के बारे में सोचना चाहिए, हमें भी देश के बारे में सोचना चाहिए, हमें भी विश्व के बारे में सोचना चाहिए। पहली बात ये, जब ये मेरे मन में आया तो मैंने हिंदुत्व का वो जो प्लेटफॉर्म था उसको इसके लिए सर्वाधिक उचित पाया। जैसे हिंदू समाज की कोई भी रीति रिवाज या कोई भी विधा, कोई भी टेक्निक, वो कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, किसी स्थान के लिए, पर्टिकुलर स्थान के लिए नहीं होती है, या किसी काल के लिए नहीं होती है, वो काल आदि से परे होता है, वो सभी समाज के लिए, संपूर्ण दुनिया के लिए और सभी काल के लिए होता है। उदाहरण के लिए हम एक समझ में आने वाला उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे पैरासीटामॉल है एक दवा, वो अमेरिका में बैन भी हो सकती है, इंडिया में लगातार उसका यूज भी होता रहता है, कई ऐसे देश हैं जो जहाँ पैरासीटामॉल को रिजेक्ट कर दिया गया है, पर भारत का जो खष्ठकारक चूर्ण है क्या वो दुनिया में कहीं बैन लगाया जा सकता है क्या? क्या किसी कालखंड में बैन लगाया जा सकता है क्या? क्या वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हितकर होगा? वो तो पूरी दुनिया के लिए। तो हिंदुत्व एक ऐसा विषय था जो अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को टारगेट करके किया जाता था, इसीलिए हिंदुत्व को हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के टैग से देखा गया था। यानी हिंदुत्व का जो टैगलाइन था वो वसुधैव कुटुंबकम, क्यों? जैसे ये मैंने 10 तत्वों की बात किया, ये 10 तत्व दुनिया के बेहतरीन इंसान बनाने के लिए है। दुनिया में अगर बेहतरीन इंसान बनाना है तो इन 10 तत्व में 10 तत्व को या तो धारण कर ले या किसी एक तत्व को धारण कर ले, वो बेस्ट ह्यूमन बीइंग बन सकता है। ये है हिंदुत्व। बेस्ट ह्यूमन बीइंग क्या है कि वो दूसरे की बात को ध्यान देकर सुनता है, और जब कोई मनुष्य कोई बात कह रहा होता है तो वो मन में चिंतन नहीं कर रहा होता है कि मैं अब इसको कैसे काउंटर करूँगा, पर मुझे लगता है वो आज के युग में और ख़ास करके जो हमारी भूमिका होती है संचालन करने की, समन्वय करने की, उसमें बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। इस जो कैपेसिटी और आर्ट ऑफ लिसनिंग है
इसके बारे में मैं आप दोनों के विचार जानूं। पहले रोहित आप बताएं कि आप क्योंकि एक सफल उद्यमी हैं, कई लोगों से कई स्थानों पर आप बातचीत करते हैं, कई कंपनीज को मैनेज करते हैं, तो ये जो सुनने की कैपेसिटी है जिससे आप दूसरे के मन में सचमुच क्या है वहाँ तक पहुँचने में अपने मन के विचारों को हावी नहीं करें, ये आप में कैसे डेवलप हुई? देखिए, ये थोड़े संस्कार जो आपको मिलते हैं बचपन से, उसका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और धीरे धीरे वो संस्कार फिर आपकी एक हैबिट बन जाता है, आपकी स्ट्रांग ट्रेड बन जाता है कि ये आपकी एक, अब उसे आप खासियत बोले या कहीं कहीं उसको नेगेटिव वे में लिया जाता है, बट जो आपका क्वेश्चन है कि ये कैसे आया, तो वो आप बचपन से जो देखते आता है कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की बातों को सुनना, वहाँ से ये चीज़ डेवलप होती है, आपकी सुनने की आदत। और फिर जब आपको कहीं भी कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, आप उसको ध्यान से धैर्य से सुन रहे हैं, तो आपकी एक सुनने की बात को लेते हुए जो हमारे पास एक घेरा बना होता है कि मैं अगर कांग्रेस का हूँ तो मुझे अमुक तरह का विचार ही व्यक्त करना है, अमुक तरह से ही प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करनी है। ये पिछले समय में बहुत देखा, ये बात बीजेपी पर भी लागू होती ही होगी, शास्त्री जी माने या ना माने, पर मैं खास उदाहरण देना चाह रहा हूँ मोहन भागवत जी का, जिनके साथ आपका काफ़ी समीप का रिश्ता रहा है, कुछ पुस्तकों में भी आमुख भी उन्होंने भी लिखा है। और मोहन भागवत जी के निमंत्रण पर जो अब भारत रत्न मिला है, जिन्हें हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जाने के अवसर पर जो राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिए थे, उसमें से कई बातें ऐसी थी कि उनके अंदर वो सब चल रहा है, उन्होंने उसका ठीक ठीक टटोल कर उसको जांच करके उसको उसका सत्यापित उसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। पर मुझे लगता है अंतर हम नेताओं में ये गुण बहुत अधिक आजकल देख रहे हैं, तो सुनना दूसरे को नहीं अपने मन में जो है उसी को सुनते रहना, ये वृत्ति आपको दिखती है भारतीय राजनीति में? निस्संदेह। देखिए, मैं तो जब पार्लियामेंट मेंबर था हाउस में, तो मैं देखता था बहस जो चलती थी हमारे यहाँ, तो कुछ बातें कोई सांसद कोई मेंबर पहले बोल चुका रहता था, लेकिन बाद में दूसरा भी उसी को रिपीट करता था, तीसरा भी रिपीट करता था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। एक बहुत सीनियर लीडर से मैंने पूछा कि जो बातें एक बार बोल दी गई हैं, रिकॉर्ड में आ चुकी हैं, उनको दोबारा क्यों बोला जाता है? तो उसका उत्तर मुझे विस्मयकारी लगा। उन्होंने कहा कि देखिए, हर पार्टी को कोई भी डिस्कशन होता है तो हर पार्टी को अपना व्यू देना होता है, भले ही उस पर किसी ने पहले बोल दिया, लेकिन कोई पार्टी पीछे न रह जाए इसलिए उसी बात को रिपीट करते हैं। मैंने कहा कि इसकी आवश्यकता है, वो तो इतना भी बोल सकते हैं कि फला व्यक्ति ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूँ। कहा नहीं नहीं, यहाँ अपने मुंह से बोला जाता है, यानी पॉलिटिक्स की रिकॉर्ड में आने के लिए पॉलिटिक्स की ये मजबूरी होती है। मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा कि खास तौर से नेता जो मैं टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने राहुल गांधी का के बारे में चर्चा किया है, राहुल जी वास्तव में बगैर सोचे विचारे कुछ भी करते हैं, ऐसा राजनीति में नहीं होनी चाहिए। कोई भी विषय हो तो उस पर 10 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए और विविध एंगल से सोचना चाहिए, और राष्ट्र हित में अगर है, समाज हित में है, तो उसे बोलना चाहिए, नहीं तो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को राष्ट्र पर या समाज पर या कार्यकर्ताओं पर थोपने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मैं कम से कम अपने पार्टी में देखता हूँ, इंटरनल लोकतंत्र है, यहाँ हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, बात करने के जितने भी माध्यम है उन सारे माध्यम का वो उपयोग कर सकता है। मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ स्वतंत्रता की, जो बात आपने कही है, जो धारणा सामान्यतः रही है वो उससे अलग है, और कई लोगों का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री के रूप में बहुत सफल नेतृत्व देने वाले और बहुत सक्षम हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन वो सुनते नहीं, ऐसा लोगों के अंदर धारणा है, मुझे पता नहीं कोई है नहीं, और इसी को लेकर कई लोग वो उनको तानाशाह न हो जाए इस प्रकार का कुछ चिंतन किया करते हैं। पर समय की सीमा को देखते मैं आपके पास फिर आऊँगा, पर आपकी तरफ मैं ये बात लेके जाना चाहता हूँ कि आप क्या टिप्स दे सकते हैं हमारे दर्शकों को, पता लगाना मुश्किल हो जाता है ये वाली जो मैसेज आया वो सही है व्हाट्सएप में या ये वाला सही है,
तो क्या फॉर्मूला आपकी नज़र में है जो हमारे दर्शकों की मदद करे कि वो सही सही बात तक सोशल मीडिया के द्वारा पहुंच सके? देखिए, एक तो सोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किस सोर्स से आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि अब अलग अलग पार्टी सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, तो सभी अपनी विचारधाराओं को मैं थोपना वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, पर आगे बढ़ाने के लिए अपने तरह के मैसेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या सही है क्या गलत है वो उस पर विचार नहीं करते, वो केवल अपनी विचारधारा के हिसाब से उस मैसेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सोर्स है वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि जब तक आप संतुष्ट नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है उसको आगे मत बढ़ाइए। दैट इज़ द की थिंग। कभी आप रिस्ट्रेन करेंगे अपने आप को तो इन्फॉर्मेशन वो आगे नहीं बढ़ेगी, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ेगी। सो इस तरह से हम एक तो इन्होंने कुछ सूत्र भी दिए और कुछ थोड़ा संकेत भी दिया, पर हालांकि बहुत मुश्किल है, हम कैसे इंश्योर करें वो ही क्लियर नहीं हो पाता है। पर हम जिसको मानना चाहते हैं हमको लगता है नहीं यही सही होगा, तो हम जिसको मानना चाहते हैं लगता है यही सही होगा। इस बात को लेकर हम समापन की तरफ आपके इंसाइट के साथ बढ़ना चाहते हैं। शास्त्री जी, आपको अपने राजनीतिक जीवन काल में, जिसमें आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ तक काम किया है और बहुत सारे रचनात्मक समृद्ध करने वाले संस्कारित करने वाले कार्य भी आपके माध्यम से हुए, सबसे अधिक अच्छा कोई अनुभव अनुभूति राजनीतिक दृष्टि से जो रही है तो अगर आप एक दो मिनट में हमें बताएं। देखिए, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। पहले तो मैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने काम किया है और अभी लेटेस्ट कुछ ही दिन पहले जो मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उस संदर्भ में एक चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। जो आपने कहा ना कि वो बातें नहीं सुनते हैं, मैं उनसे पिछले 22 तारीख को मैं मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ संकोच बत कुछ बातें मुझको उन तक पहुंचानी थी। मैंने कहा कि मैं मुझे संकोच हो रहा है कुछ बात कहने में। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी निसंकोच हो करके बोलो। मैंने कहा कि इतना लिबर्टी आप दे रहे हैं इसके बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख करके उन्होंने बोला कि बिल्कुल ये समझ लो कि मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ और हिम्मत के साथ बोल्डली जो भी कहना चाहो कहो। क्या ये कहीं संभव है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है। और जो मोदी जी के बारे में ये बातें कही गई कि सुनते नहीं, बात नहीं करते हैं, हाँ वो नहीं सुनते, वो बेकार की व्यर्थ की बातें नहीं सुनते हैं, हाँ वो नहीं मिलते हैं, वो व्यर्थ की मुलाकातें नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक कोई बात करने चाहते हैं देश के उत्थान के लिए, समाज के लिए, आप उनके साथ घंटों बैठ सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जरा सा भी इसमें संकोच नहीं हो सकता है। और इसी तरह अटल जी के बारे में जाता हूं आपसे, समय इजाजत नहीं दे रहा है, पर सकारात्मक सोच के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें तो जीवन का भी आनंद आता है और शायद हम विश्व को भी हमने जैसा पाया था उससे कुछ बेहतर बना सकते हैं, उस दिशा में बढ़ सकते हैं। और इस दिशा में बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारे बिजय शंकर शास्त्री जी ने किया है, डॉक्टर साहब ने, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। स्टूडियो में पधारे उसके लिए बहुत धन्यवाद है। बीजेपी के ऐसे विद्वत स्पोक्स पर्सन हमारे साथ आज जुड़े और साथ ही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रोहित गंगवाल जी पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी का मंगल कामनाओं के साथ हमारी इस बातचीत में जुड़ने के लिए आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।